एक्सेल सीरीज में डेटा टैब के अंतर्गत फोरकास्ट ग्रुप से आज हम डेटा टेबल ऑप्शन के साथ काम करना देखते हैं। डेटा टेबल ऑप्शन हमें एक डेटा का एक टेबल प्रिपेयर करने में मदद करता है। अब इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक ऐसे टेबल प्रिपेयर करना है जो हमारे एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान को रिप्रेजेंट करता है। पॉलिसीज के अंतर्गत सपोज हमारे पास एक टेबल है जहाँ पे हम जो अमाउंट देते हैं उस अमाउंट्स का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फिफ्थ ईयर, टेंथ ईयर, फिफ्टींथ ईयर और मैच्योरिटी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उसका एक इंटरेस्ट ऐड होते जाता है और फाइनली आपको एक मैच्योरिटी वैल्यू मिलता है। अब इसके लिए कंप्लीट डेटा टेबल प्रिपेयर करना है तो आइए हम इसे प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले हमने फील्ड स्पेसिफाई कर दिया। यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर में क्या वैल्यूज होगा तो इक्वल्स टू अमाउंट का हमें 8% मिलेगा। सेकेंड ईयर में मान लिया हमने ये अमाउंट फील्ड है अमाउंट का 10% मिलेगा। थर्ड ईयर में मान लिया हमने अमाउंट का 15% मिलेगा। फिफ्थ ईयर में हमें अमाउंट का 25% मिलेगा। टेंथ ईयर्स में हमें अमाउंट का 50% बनेगा और फिफ्टींथ ईयर में हमारे अमाउंट का 70% मिलता है। मैच्योरिटी वैल्यू हमारा अमाउंट प्लस टोटल सारे हो जाएंगे इक्वल टू अमाउंट प्लस फर्स्ट ईयर प्लस आपका सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर प्लस फिफ्थ प्लस टेंथ प्लस फिफ्टींथ। सो ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगा। आइए इसे एक डेटा टेबल ऑप्शन के द्वारा एक कंप्लीट टेबल सेट तैयार करते हैं। अब यहाँ पे हमने अमाउंट्स के फील्ड वैल्यूज फीट की 50,000 का, 60,000 का, 70,000 का, 80,000 का, 90,000 का और 1,00,000 का। ये पूरे टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया। व्हाट इफ एनालिसिस के अंतर्गत डेटा टेबल पे आते हैं। यहाँ पे हमें देखना होता है कि आपका जो सेल में वैल्यूज है रो इनपुट है या कॉलम इनपुट है। हमने यहाँ पे कॉलम इनपुट सेल्स सेलेक्ट करना है। जो वैल्यूज है वो कॉलम इनपुट है। यहाँ पे जो खाली एक जगह छोड़ रखा है उसको सेलेक्ट करते हैं फिर ओके करते हैं। हमारे सामने एक कंप्लीट टेबल प्रिपेयर हो जाता है। ये आपका टेबल एक डेटा टेबल के रूप में रिप्रेजेंट होगा जो आपको कहता है। आप देख सकते हैं इसके वैल्यूज, इसके सेल के एड्रेस को आप देख सकते हैं। पूरा टेबल कंप्लीट तैयार हो गया जहाँ पे आपको दिखाता है अगर आपका अमाउंट 50,000 है तो फर्स्ट ईयर आपका इंटरेस्ट 4,000, सेकेंड ईयर 5,000, थर्ड ईयर 7,500, फिफ्थ ईयर आपका ये, टेंथ ईयर में ये, फिफ्टींथ ईयर में ये और टोटल आपका मैच्योरिटी वैल्यू ये बन के निकलता है।